हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिजाइन। तो एक्चुअली में निफ्ट का जो कब होगा, निफ्ट का जो सिचुएशन टेस्ट उसका जो है वो निफ्ट के वेबसाइट में नहीं आया है, वो एक्चुअली एनटीए के वेबसाइट में आया है। और सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो और मैं भी एक्चुअली मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, बिकॉज एक्चुअली में सिर्फ एक दिन का ही डेट आया, वो है 13 अप्रैल। एंड देर इज नो चॉइस, आपको चॉइस है ही नहीं कि आप कब जाना चाहें या मैं चॉइस करके कुछ कर पाऊं, ये कोई चॉइस दिया नहीं है। दूसरा, कहीं पे भी ये भी नहीं लिखा कि आपको सेंटर कैसे चूज करना है। अगर हमारे पास 13 अप्रैल का ही टाइम है तो हम लोग को अभी आज जो है वो 5 तारीख हो गया है, तो आपको ना ही ट्रेन के टिकट्स मिलेंगे ना ही आपके प्लेन के टिकट्स मिलेंगे, और आप किस तरह से सेंटर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया, ये मेरे को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग रह रहा है। पिछली बार भी जब एग्जाम किया तो मंडे को कर दिया, एनटीए करना क्या चाहता है। आधे बच्चे जो बिहार के थे वो बिहार बोर्ड में थे और बिहार बोर्ड के बच्चे एग्जाम तक नहीं दे पाए, और मुझे ये इतना डिस्टर्बिंग लग रहा है इस बार। आप लोगों को अगर लग रहा है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको भी ये लग रहा है, और मुझे ये सा लगता है कि इसके लिए हमें भी सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए और इसके लिए आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर निफ्ट और एनडीए करेगा तो फिर एक्चुअली में मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी और उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होगी। इवन जो 17 सेंटर है वहां पर जाके एग्जाम है, ये ऑनलाइन एग्जाम हो ही नहीं सकता, ये ऑफलाइन ही एग्जाम होगा। चाहे वो जो करना चाहते हैं कि हाँ हम 2 दिन पहले दे देंगे, हम क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड में दे देंगे, अरे किस तरह से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जिनके 17 सेंटर है, जिनके सेंटर में जिनका जो स्टेट है उसके अंदर एक्चुअली में निफ्ट पड़ता ही नहीं है, तो हो सकता है कि उनको बहुत लंबा रास्ता तैर करके निफ्ट सेंटर में आना पड़े, तो कैसे आएंगे, टिकट्स नहीं काट सकते, काटेंगे तो अभी पूरा फुल मिलेगा, एक तो वेकेशन टाइम हो गया है, समर सबके बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए, तो सारे ट्रेन के टिकट्स भी फुल होते हैं, प्लेन के टिकट्स भी फुल होते हैं। नॉर्मली ट्रेन और प्लेन के टिकट्स तो दो दो एक एक महीने पहले बुक हो जाते हैं, तो यहाँ पर किस तरह से सोच रहा है कि वो हम लोग स्टूडेंट जो है वो पहुंच जाएंगे 2 दिन के नोटिस पे। ये एक्चुअली में मुझे लगता है कि बहुत गलत हो रहा है। अगर आप लोगों को भी लग रहा है कि ये गलत हो रहा है तो मुझे लगता है कि आप सबको इस अभियान में मेरे साथ देना चाहिए, हमको आरटीआई करना चाहिए। सारे बच्चे भी अगर आरटीआई करेंगे तो हम जाके ये वाला एक वो होगा कि यस ये बहुत गलत हुआ है। इस बार निफ्ट का बोर्ड का एग्जाम के साथ क्लैश हुआ था, हर चीज के साथ क्लैश हुआ था, प्री बोर्ड किसी किसी जगह में प्री बोर्ड के साथ क्लैश हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे प्री बोर्ड की वजह से नहीं दे पाए और बहुत सारे बच्चे बोर्ड की वजह से नहीं दे पाए, और अब ये जो नया चीज हुआ है वो भी आई डोंट थिंक सो अच्छा हुआ है। और जिस तरह से हो रहा है ये जो सीन है ये भी मुझे लगता है बहुत बुरा हो रहा है। ऑफ कोर्स अगर कोई दिल्ली में है तो जो दिल्ली के बच्चे हैं वो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मुंबई में है वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो कोलकाता में उनको भी नहीं प्रॉब्लम होगा, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे गांव में है जो दूसरे छोटे शहर से जहां पर निफ्ट दूर दूर तक नहीं है और जाने के लिए निफ्ट में मतलब टिकट्स काट के जाना, उनको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मुझे लगता है ये एक्चुअली में बहुत गलत हुआ है, और हो सकता है कि जो डेट मिली है सिर्फ एक डेट मिली है, चूज की लेने का भी टाइम नहीं हो, उसमें भी बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो टाइम पे कुछ उनको प्रॉब्लम हो, उनको कोई काम हो, कुछ हो। आप किस तरह से इस तरह से डिसाइड कर सकते हो कि किसी भी तरह से आपने दे दिया, डेट दे दिया आपने, उसी तरह से आपने स्पेस दे दिया। आपको प्लीज टाइम रखना चाहिए, आपका रिजल्ट जो था कब अनाउंस हुआ था, मार्च के में अनाउंस हुआ है, कितने पहले, और अब जाके आप रोज हम देख रहे हैं, अब जाके आपने डेट दिया है कि वो भी मतलब इतनी जल्दी, ऊपर से मतलब टाइम नहीं दिया कि कहां, और अभी तक बताया नहीं कहां पर हमें जाना है कि टिकट्स काट ले, इट्स सो बैड, एक्चुअली में बहुत बैड हुआ है अभी तक बच्चों के लिए। तो आई थिंक इसके लिए मुझे लगता है कि ये हमें अभियान चलाना चाहिए। कोई भी मेरे साथ देना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, और इवन मुझे व्हाट्सअप कर सकता है,
मेरे नंबर पे, मैं सारे सबके साथ हूँ। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम में फेस कर रहा है तो हम लोग इसको इकट्ठा होके हम लोग इसमें एक्चुअली में हमें एक अभियान चलाना है। क्या आपको लगता है चलाना चाहिए? तो अगर मुझे साथ आप देना चाहते हो तो आप मेरे को प्लीज जरूर व्हाट्सअप कीजिए मेरे नंबर पे, और आगे हम सोचेंगे क्या करना है और उसके बाद मैं आपको अपडेट जरूर करूंगी। मुझे लगता है ये वीडियो एक्चुअली में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट जो निफ्ट दे रहा है सिचुएशन टेस्ट। तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आया वो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डू कमेंट, आज मेरे को आपकी सबकी एक्चुअली में सबकी जरूरत है, ये कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन आपका जो पूरा अभियान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट और मुझे व्हाट्सअप करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर टुडे।